अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं ना मोहम्मद सलीम और आप YouTube चैनल देख रहे हैं खान सलीम। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप कर दें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वो आप लोगों को हमने एक चीज दिखानी है, एक शह दिखानी है, एक बहरी जहाज दिखाना है आप लोगों को हमने। तो चलते हैं सफर की तरफ अपनी जानिब, तो आपको दिखाएंगे। तो आज तक बहरी जहाज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं हम अपनी सफर की तरफ। तो इंशाल्लाह आप वेलकम बैक जी। फिलहाल तो पहुंच चुके हैं हम वही लोकेशन पर। 150 साल पुराना बहरी जहाज आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है 150 साल पुराना बहरी जहाज, माशाल्लाह कितना बड़ा है। तो अंदर चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं इसका, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये वाला है, आज आगे चलते हैं। ये शेख साहब चलो आगे, आपको इंशाल्लाह इसका पूरा विजिट करवाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं इधर, दिखाओ और बढ़िया कमरा है इसका, तो रखवाली के लिए। ये है अंदर इसका, इतना सामान सामान रखे हैं। इसको नीचे चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं नीचे भी। स्टोर रूम में बस है नीचे, चलो भाई नीचे चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं सारा। ये है, मुझे लगता है ये है जनरेटर, बिजली देने वाला ना जनरेटर। ये है जनरेटर, देख रहे कितना पुराना बना हुआ है जनरेटर। ये भी है इस साल पे। ये है सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस है के लिए। तो आपको दिखाते हैं इसके अंदर। अंदर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। ये कमरे बने हुए हैं, आपको लाइट जला लें। ये देखें, ओहो मुझे डर भी लग रहा है ना, लाइट जली है तो अंधेरा बहुत है, डर भी लग रहा है, मगर क्या करें। आपको दिखाते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये लगा है इसका इंजन, पावरफुल दो इंजन। ये देखो ये इंजन है इसका, ये देखो ये लगी हुई है असल इंजन। हाँ ये देखो, हाय कमरा देखो आप। ओ, ओ, ओ। हाँ वाकई इसके अंदर नीचे और भी है कमरे। तो चलते हैं आपको, ये देखो लोहा कमरे हैं इसके अंदर ना, नीचे सामान रखने के लिए। तो आपको आगे भी दिखाते हैं, ये भी कमरा है, सारा गल चुका है सारा जहाज। ये अभी तो चलने के काबिल नहीं है, तो सारा गल चुका है। दिखाते हैं आपको आगे। ये है इसका टेरिस लोन, देख सकते हैं आप इसका। ये वो सामने ड्राइवर के लिए है, तो वो आपको वहां पे चल के दिखाएंगे। पहले इस साइड पे देखते हैं, क्योंकि ना लुआ बहुत ही। हम आपको इसका इंजन रूम दिखाते हैं, जहाँ पे इंजन लगे हुए हैं। तो चलते हैं नीचे। सीढ़ी बहुत ही खस्ता हालत में पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, मगर आपका भाई बहुत ही दलेर है। ये है इंजन रूम इसका, ये सिलेंडर है। कितने सिलेंडर है आपको दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर के, दो 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 इंजन पड़े हुए हैं 6 सिलेंडर के। ये एक ये एक ये, ये पुली, ये देखो अभी भी चल रही है माशाल्लाह, इंजन लगा हुआ है। ये देखो ये इंजन, पावरफुल इंजन दो चलाने के लिए इनको। तो लुआ ये हमारे शेख साहब ऊपर करे हुए हैं तेरा, ये वाला आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। डर भी बहुत लग रहा है कहीं नांग या सांप ना आ जाए। ये पता नहीं क्या है इसके अंदर, मुझे लगता है सामान रखने के लिए ना जगह होगी शायद, सामान को रखने के लिए। आपको चलते हैं दूसरी तरफ, ये पता नहीं क्या है, ये भी इंजन है शायद। ये सिलेंडर पता नहीं किस चीज के लिए है, ये वाले दो, एक दो ये है दो ये है। सिलेंडर गैस थे चल रहा है यार, ख्याल से बहुत ही डरावनी जगह लग रही है मुझे ना, सांप ना हो अंदर। तो चलते हैं ऊपर, ख्याल से तो हम इस साइड गए हुए हैं, मगर ये देखें, ये है रोकने के लिए बहरी जहाज को ना, रोकने के लिए क्या ड्राइविंग स्टीयरिंग क्या नहीं स्टीयरिंग
ये है ड्राइविंग ट्रेनिंग, तो ये संगर भी लगे पड़े हैं, ये हम चोरी चाके लेके जा रहे हैं इस संगर को। ना ये है इसका स्टोर रूम, तो जहाँ पे सामान सामान रखते थे ये वाला वही लगता है मुझे शायद। और ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है यार, एक बहन घुमा रहे था एक कोई समझ नहीं हम दिए क्या होते लिखा परेशान यार ठीक है। ये इसके पता। अलावा ये देखो ये वो घंटी है जेतु वेलकम बैक गाइस, फिलहाल एक और भाई जाता है। ये है सामान वाला, आपको दिखाते हैं, ये देखो ये पूरा स्टोर है, इसके अंदर सामान खड़ा होकर ना लेके जाते थे। तो आपको इंजन दिखाते हैं, इसका इंजन है कोयले वाला, तो चलते हैं इंजन की तरफ। ये है ऐसी कोयले डालने वो मशीन, इसके अंदर जलती थी आग, तो यहाँ से कोयले डलते थे, तो वहां से इंजन बन के फिर धुआं बन के इसके अंदर फिर ऊपर फिर पावर निकलती थी। तो ये है जी, एक ये भी है, दोनों है। अच्छा ये देखो ये ऐसे खुलता है, इसको ना इसको दबाओ इसके अंदर, तो इसके अंदर ईंटें भरी हुई हैं फिलहाल, तो फिलहाल तो सारी ईंटें भरी हुई हैं। तो इसके अंदर पहले जलते थे कोयले, ये कोयले वाले इंजन है, ये लॉक भी हो जाता है। तो अभी बहुत ही खस्ता हालत में पड़ा हुआ है ना ये वाला जहाज, ये देखें सारा कबार हो चुका है, कबार ही कबार, पता नहीं किस चीज के घर होंगे, अंगन नांगों के। ये देखो ये इंजन चेक करो कैसा है, भाई इसकी आपको टेरेस पे चलते हैं, आपको इसका भाई टेरेस दिखाते हैं कैसा है। तो यहाँ से धुआं निकलता है ना, इतने बड़े सिलेंडर जो है यहाँ से धुआं निकलता था, वो सामने टेरेस है, तो काफी खस्ता हालत में ये ना पड़ा। तो वजन काफी पड़ता है घुमावा हाँ नहीं।